तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये रिश्ता और लड़का मुझे पसंद है, चलो जहेज के बारे में बातचीत की जाए। शिवराती चाचा, हमारा लड़कावा तो घिस घास तो तीसरी पास है, तो लंबा चौड़ा तो जहेजवा मांग ना सकेंगे। वैसे तो बेटवे से पूछ लेतन, बेटवा तुम्हारे शादी करवाए थन, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ अबू जी, जरूर चाहिए। 5 लाख रुपए मंगली, 5 क्विंटल दूध वाली मिठाई, 15 लाख वाली फटफटिया। अब आप लोग बीजेपी के साथ बैठे रहे, आपके दरमियान एक मुकालमा पेश किया जाएगा। मैं जवाद सल्लमहू और अजीजम याकूब सल्लमहू से गुजारिश करेंगे कि अपने ग्रुप के साथ स्टेज की तरह जाएं। अजीजम जवाद सल्लमहू, अजीजम याकूब सल्लमहू, कि जो हाल है यहाँ का वही हाल देखकर कहिए सुभान अल्लाह, जो हाल है यहाँ का वही हाल देखकर हर शख्स को यहाँ खुशहाल देखकर, और कोलकाता की मिट्टी में है प्यार की खुशबू, अरे दिल खुश हो गया है मेरा बंगाल देखकर। कोलकाता की मिट्टी में है प्यार की खुशबू, दिल खुश हो गया है मेरा बंगाल देखकर। अस्सलामु अलैकुम जुम्मन भाई। वालेकुम सलाम ललन भाई। और जुम्मन भाई, बेटवा को लिए कहाँ जा रहे हो? बेटवा के रिश्ता खोजे थे। अरे ये उल्टी गंगा कब से बहने लग गई? लोग तो लड़कियों का रिश्ता तलाश कर रहे हैं और तुम तो लड़के का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लड़के को पोलियो मार दिया है का? ललन भाई, एक तो बेटवा है, सोचे थन कि एक शादी ब्याह करवा के खूब सा जहजवा लेके घरा भर लेबा, लेकिन कोनो जहजवा देने को तो तैयारे ना है। कोनो हमारे घर के घराने की लड़कियां हवा तो बतावा जहाँ खूब दवा का जहजवा दे सके। अरे जुम्मन भाई, मेरे नज़र में तो ऐसी कोई घराने की लड़की नहीं है जहाँ तुमको खूब दबा दबा के जहजवा मिल सकी। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि मेरा एक दोस्त जो है जो गया में रहता है, उसका बेटी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, बेटी का जो है उसका रिश्ता तलाश कर रहा है, जिसका नाम शिवरात्रि चचा है। चलो उनके पास चलते हैं, तभी वहाँ तुम्हारा कुछ बात होगा। अरे ललन भाई, नेक काम में फिर कैसे दे लिए, चलो जल्दी चलते हैं। चलते हैं चलते हैं। अस्सलाम अलैकुम शिवरात्रि चाचा, और क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम ललन और जुम्मन, तुम कैसे हो? अल्लाह का करम है, मौसम गर्म है। अरे शिवरात्रि चाचा, देखिए ये जो है ना, ये खड़ा, इसका नाम है जुम्मन भाई, ये जो है अपने बेटवा का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। पोता, तुम्हारा नाम क्या है? हमार बेटवा। हमार नाम कल्लू उर्फ लल्लू झंझट साहब। कल्लू उर्फ लल्लू झंझट, तुम कहाँ तक पढ़े हो? शिवरात्रि चाचा, हम GGTP तक पढ़ाई किए हैं। कल्लू उर्फ लल्लू झंझट, ये GGTP क्या होता है, ये कौन सी पढ़ाई है? शिवरात्रि चाचा, GGTP ये है घीस गाज तीसरी पास, समझे शिवरात्रि चाचा? हाँ हाँ कल्लू और लल्लू, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये रिश्ता और लड़का मुझे पसंद है, चलो जहेज के बारे में बातचीत की जाए। शिवरात्रि चाचा, हमारा लड़कावा तो घीस घास तो तीसरी पास है, तो लंबा चौड़ा तो जहेजवा मांग ना सकेंगे। वैसे तो बेटवे से पूछ लेतन, बेटवा तुम्हारे शादी करवाए थन, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ अबू जी, जरूर चाहिए। 5 लाख रुपए मंगली, 5 क्विंटल दूध वाली मिठाई, 15 लाख वाली फटफटिया। बीस लाख का जेवर और एक आलीशान बंगला, बस इतना ही चाहिए अबू, क्योंकि मैं घीस घास तीसरी पास हूँ, अगर 12वीं क्लास पास होती तो 3 गुना ज्यादा। लाओ लाओ लाओ
लेकिन आप लोग तो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन रुको, मैं अपने मौलाना साहब को बुलाता हूँ। देखिए सुबराती चाचा, जहेज देने को है तो दो, नहीं तो फतवा न झाड़ो। हाँ सुबर जुम्मन भाई, ये तो मुझे बहुत ही पुराने ख्याल के लगते हैं। जब लेने की बारी आती है तो हम लोगों को रीति रवाज देते हैं, और जब देने की बारी आती है तो फटवा झाड़ते हैं। रुको लल्लन और जुम्मन, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। रुको, मैं अपने मौलाना साहब को अभी बुलाता हूँ, जो तुम्हें लेन देन के बारे में बतलाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुबराती चाचा। अरे सुबराती चाचा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप थोड़ी देर मेरे घर पर तशरीफ ले आए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। अरे सुबराती चाचा, बताओ क्या मसला है? ये है जुम्मन भाई, जो अपने लड़के का रिश्ता मेरी पोती से करा रहे हैं, जबकि इनका लड़का, जबकि इनका बेटा घीस घास तीसरी पास है, और इतना जहेज मांग रहे हैं जो मेरी औकात से बाहर है। मौलाना साहब, आप इनको बताइए कि जहेज हमारे इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है। अच्छा ठीक है सुबराती चाचा, मैं इन लोगों को जहेज के बारे में बता देता हूँ कि जहेज हमारे शरीयत मुतहरे में बहुत बड़ा गुनाह है, और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेज के बारे में बहुत लानत फरमाते हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जहेज की लालच, जहेज की तमा, जहेज की ख्वाहिश, जहेज की चाहत इतनी बढ़ गई है कि लोग जहेज की लेन देन पर फख्र करते हैं। हद तो यहाँ तक हो गई कि लोग दो हफ्ते पहले ही जहेज की सामान रखने के लिए अपना घर खाली कर देते हैं। हालांकि मेरे भाइयों, ये सब गुनाह की चीजें हैं। आप तारीख उठाकर पढ़ें, दुनिया भर में, खासकर हमारे हिंदुस्तान में गरीब बच्चियों के माँ बाप के पास जहेज ना होने की वजह से वो उन जवान जवान लड़कियां फांसी लगाकर मर जाती है, या फिर जल कर जाहिक हो जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हजरत अली ने हजरत फातिमा से कितना जहेज लिया? हमारे आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कितना जहेज लिया? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शादी एक शादी का नाम है, शादी एक इबादत का नाम है। अल्लाह ताला हमें अकल सलीम अता फरमाए और जहेज जैसी लानत चीज से महफूज रखे, आमीन। ए दुनिया वालों, छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, रहत रिवायत ठीक नहीं, रहत रिवायत जहेज की। मौलाना साहब, आपकी बात हम समझ गए हैं, अब हम जहेज ना लेंगे, आप बेटवा को भी लेने से मना करेंगे, है ना बेटवा? जहेज नहीं ना लोगे? नहीं अबू जी। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। ठीक है। मियाँ बीबी के लड़ाई पे हुई बच्चे की मौत, ये खबर सुन के हुई चच्चे की मौत। बाबू रे, ए बाबू, दादा को खाना दे दे। अरे खाना दे जल्दी से, जा रहा हूँ। लीजिए दादा। बेटा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादा बुला रहे। कहिए क्या बात है? बेटा मेरा ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है,
अगर नया बर्तन आ जाता तो बहुत अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए, नए बर्तन में खाएंगे तो और मेहमानों को घिन आएगी। वैसे भी नए बर्तन रहेंगे भी कितने दिन, चंद दिन में वो भी खराब हो जाएंगे और आपसे हिफाजत तो होती नहीं, इसलिए चुपचाप इसी बर्तन में खाएं। अच्छा बेटा, मेरी ये मेरा जो ये कुर्ता है वो बहुत ही पुराना और फटा हुआ है, बहुत ही गंदी बास मारता है, इसलिए अगर नया कुर्ता आ जाता तो बहुत अच्छा होता। बेटा आपके उम्र के हिसाब से यही कुर्ते सही है, जवानों जैसे ख्वाब मत देखिए। और वैसे भी नए कुर्ते रहेंगे भी कितने दिन आपके बदन में, चंद दिन में वो भी खराब हो जाएंगे और हमारे पास इतना वक्त नहीं जो आपके नए कपड़े खरीदे जाए या धुले जाए। अच्छा बेटा, मेरी ये आखिरी बात तो सुन लो कि मेरी ये चारपाई बहुत ही पुरानी हो गई है और इसमें खटमल बढ़ गए हैं, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। चुप रहें, कब से बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं। मैंने आपको अपने घर में रखा यही बहुत बड़ी बात है, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाबू रे, ए बाबू दादा को खाना दे दे। स्कूल का टाइम, कितना बच्चा है? सब जा रहा वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आज स्कूल का पहला दिन है, सबक नहीं होगा, सोच रहे हैं तुम लोगों को कोई कहानी सुनाए, बेहतर यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हें कौन सा कहानी अच्छा लगता है? लोमड़ी और अंगूर की कहानी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। बेटा उस्मान खड़े हो जाओ, तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? मुझे खरगोश और कछुआ की कहानी अच्छी लगती है। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। बेटा हम जब खड़े हो जाओ, तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? अरबल। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। बेटा यामिन खड़े हो जाओ, तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगती है? सर आप ऐसा कहानी सुनाइए जिससे हम लोग को नसीहत मिल सके। बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को एक होनार और जैन मन बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा बच्चा था, इसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप वो बच्चे और आलीशान बंगले में रहते थे। दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में खाने का इंतजाम करते थे। एक दिन वही लेबर रूम में दादा की बच्चे की माँ खाना देकर आई तो देखी बच्चा कलम लेकर हाथ में कापी पर काफी देर से ड्राइंग बना रहा था। ये देखकर बच्चे की माँ इसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो इसी घर में रहेंगे। बच्चे की
की बात सुनकर माँ हक्का बक्का हो गई और कहने लगी, बेटा ये साइड में क्या बनाए हो? माँ ने कहा, बच्चे ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएगी तो इसी घर में रहेगी। बच्चों समझ में आ रहा है? जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा है वैसी आपको भी रखेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ ने अपने ससुर को फौरन अपने बंगले में लाया और अच्छा इंतजाम किया। बच्चों कहानी खत्म। इससे हमें ये नसीहत मिलता है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अब्बू अम्मी अपने नए घर में रहते हैं और नए बर्तन में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को पुराने बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। दादा जान, मेरे अम्मी अब्बू आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। कैमरा पे ध्यान दिए बाबू रे। ए बाबू जा, दादा के खाना दे दे। हाँ अबू जा रहे, लीजिए दादा जी। अबू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे उससे तकलीफ होती है। दादा जान, मेरे अम्मी अबू आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे उससे तकलीफ होती है। मेरे पास एक हल है। वो क्या है बेटा? मेरे पास एक दादा जान अब की बार जो उस प्लेट में खाना आए तो उसे ले ही गिरा देना ताकि वो गिर कर फूट जाए। अरे लाल, अगर जो कुछ मुझे मिल रहा है और ये मिट्टी का बर्तन तो मेरा सहारा है, अगर ये गिर जाएगा तो मैं खाऊंगा किस में? ठीक है लाल, जो तुम बोल रहे हो वो मैं करता हूँ। आप बेफिक्र रहें। जी। अरे अरे, क्या हो गया? टूट गया। ये क्या किया? मिट्टी की बर्तन गिरा दिया, दिखती नहीं, कुछ होश नहीं रहता है। क्या बताएं? लगता है उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो गई है। इतनी लापरवाही हद हो गई। ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर लिया, कौन साफ करेगा इसे? हाँ, अब्बू मेरे उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। अब्बू मैंने सोचा था कि मेरे दादा जान जब दुनिया से चले जाएंगे तो, और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं ये बर्तन और कुर्ते दूंगा। कैसी उम्मीद है बेटा? क्या कहा बेटा, फिर से कहो। हाँ दादा, पूरी उम्मीद पे पानी फेर दिया। हाँ अबू, मेरे दिल की तमन्ना तो और बहुत दिन से ये सोच रहा था कि दादा जान के बर्तन और कुर्ते हिफाजत से रखूंगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब दूंगा। ये क्या बोल रहे हो बेटा?
हाँ अबू, इसमें प्रॉब्लम ये किया है, तो जरा सोचिए आपके वालिद ये सब कैसे करते होंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं कब से गफलत में पड़ा हुआ था। अब्बू अब्बू, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब्बू अब्बू, मुझे माफ कर दो। चुप रहो, मत रो बेटा। नहीं बेटा, चुप रहो लाल, चुप रहो, चुप रहो, मत रो बेटा, मत रो, मत रो। अब्बू, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं अभी आपके लिए नए बर्तन और नए कपड़े और नए कुर्ता लाता हूँ और आपकी आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करूँगा। सीधा चलो ना।